Friends, welcome to my channel. We are dealing with the topic equation, simple equation, linear equation or linear equation in one variable. Let us do answer discussion for concept test 2. So the first question is 5a minus 2 is equal to 3a plus 12. Classroom situation. आपकी बार मैथ्स टीचर आई क्लास में, तो इस माइनस टू ने कहा कि मुझे जाकर अपने फ्रेंड के साथ बैठना है. टीचर ने कहा ओके जा सकते हो बट आपको साइन चेंज करना होगा. थ्री ए ने भी उसका फायदा उठाया कि जब माइनस टू सीट चेंज कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. उसने भी पूछा अपने मैथ्स टीचर से कि क्या मैं अपनी जगह चेंज कर सकता हूँ. मैथ्स टीचर ने कहा ओके बट क्या कंडीशन है, आपको साइन चेंज करना होगा. ये स्टोरी आपको मैं सिर्फ एक बार बता रही हूँ. अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. सो माइनस थ्री ए हो जाएगा इज इक्वल टू 12, माइनस टू विल बिकम प्लस टू. सो 2a इज इक्वल टू 14, सो a इज इक्वल टू 7. कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. दोनों लाइक वेरिएबल्स हैं तो ये हो जाएंगे 4x इज इक्वल टू दिस प्लस 6 विल बिकम माइनस 6, सो 14 माइनस 6, सो 4x इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पर ये 5 इस 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा. सो 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 40. x शिफ्ट हो जाएगा, 5x माइनस 4x विल गिव यू x इज इक्वल टू 40. यहाँ पर भी ब्रैकेट है तो हम यहाँ पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस तरह से. सो 8x प्लस 4, लेफ्ट हैंड साइड में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं. ओपन करिए ब्रैकेट, 3x माइनस 3 प्लस 7. यहाँ राइट हैंड साइड में हमारे पास दो लाइक टर्म्स हैं, हम पहले इन्हें सॉल्व कर लेंगे, तब तक लेफ्ट हैंड साइड हम इसी तरह से लिख लेंगे. सो 3x, साइंस आर डिफरेंट, सब्ट्रैक्ट द नंबर, ग्रेटर नंबर साइन विल कम इन द आंसर. अब हम सारे वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे. सो प्लस 3x विल बिकम माइनस 3x और 4, ये प्लस 4 बन जाएगा माइनस 4. सो 8x माइनस 3x विल गिव यू 5x इज इक्वल टू 0. यदि हम किस 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमें 0 ही मिलता है. सो योर आंसर विल बी 0. आई थिंक कुछ मैंने गलत किया है क्योंकि आंसर तो 0 नहीं हो सकता है. यदि आप वैल्यू x की 0 करेंगे, ओके फाइन, सही आ रहा है आंसर. यदि आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपकी ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, बट ये माइनस 3 प्लस 7 विल गिव यू 4, ये भी 4, ये भी 4, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है. यदि आपको कभी भी डाउट होता है तो आप जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं. यदि इक्वल आ रहा है इट मीन्स आपका आंसर सही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ हम वेरिएबल्स को एक साथ ले लेंगे, कांस्टेंट को एक साथ ले लेंगे. यहाँ भी आपकी चॉइस है, आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करके भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है. मैं यहाँ पहले शिफ्ट कर रही हूँ. सो 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बन जाएगा माइनस 1 ऑन राइट हैंड साइड. अभी आपका फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट है, आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम. एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 15. अब हम रिसाइट करेंगे टेबल ऑफ 3, 3 5s आर 15. सो 5 मल्टीप्लाई बाय द सेम न्यूमरेटर विल गिव यू 10x माइनस 15 1s आर 15. 1 मल्टीप्लाई बाय द सेम न्यूमरेटर 7x विल गिव यू 7x. 3 माइनस 1 विल गिव यू 2. अब हम इस न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे. 10x माइनस 7x विल गिव यू 3x अपॉन 15. जब भी इस तरह की टर्म हो कोशिश कीजिएगा कि x सेपरेट कर लो, 3 अपॉन 15 अलग से लिख लो, सॉल्व करना इजी हो जाता है.
सो 3/15 मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड वो डिवीजन में आ जाएगा, या डायरेक्ट हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल हो जाता है 15/3। आप चाहे तो नंबर यहाँ भी कट कर सकते हैं, आप नंबर यहाँ भी कट कर सकते हैं। 3 1 3, 3 5 15, आपका फाइनल आंसर सेम ही होगा, फाइनल आंसर इज 10, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। आप चाहे तो यहाँ भी कट कर सकते थे, 3 1 3, 3 5 15, 5 मल्टीप्लीकेशन में, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 2 10। तो ये छोटे छोटे जो सॉल्यूशन है, जो पार्ट्स हैं, ये आपके अपने होते हैं, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। टेक वन मोर एग्जांपल, यहाँ पर भी ये 3 और ये 5 कहीं भी आपस में कट नहीं होते हैं, इसलिए हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ओके, सो यूज करिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 3t-9 इज इक्वल टू 5 2 10, टी प्लस 5 मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जब भी आपका वेरिएबल टी होता है, टी आपको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। यदि आपने टी अच्छे से नहीं लिखा इस तरह से और सिर्फ ऐसा लिखा तो ये आपको प्लस साइन भी लग सकता है। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग वेरिएबल टी। अब हम फिर से वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, चॉइस आपकी अपनी है। तो मैंने 10t को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो ये बन गया -10t, 5 अपनी ही जगह पे है, -9 विल बिकम +9। इंटीजर कॉन्सेप्ट, साइंस आर डिफरेंट, सब्ट्रैक्ट द नंबर, ग्रेटर नंबर साइन विल कम इन द आंसर, और वेरिएबल है आपका टी इज इक्वल टू 9 + 5 विल गिव यू 14। अब -7 मल्टीप्लीकेशन में है, सो राइट हैंड साइड में आ जाएगा डिवीजन में, कट कर दीजिए नंबर, 7 2 14, सो टी इज इक्वल टू 2, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इज 1, 1 इज एन ऑड नंबर, सो योर आंसर विल बी नेगेटिव। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, तो यहां भी हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते समय माइनस साइन है तो थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करिएगा। ओके, सो 15 × y क्या हो जाएगा, 15y माइनस 15 4 = 60। अब यहाँ माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, सो 2y, 2 × y, 2y विल बिकम -2y, 2 × 18, सो 2 × 9 विल बिकम 18, -18, सो दिस विल बिकम +18, प्लस 5 × y विल गिव यू 5y, -5 6 = 30 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ सारे लाइक टर्म्स पहले साथ में लिख लेंगे, सो 15y -2y +5y, ये हमारे सारे लाइक टर्म्स हैं। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स हैं, थोड़ी सी स्पेस छोड़कर लिखिए, आपको सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाएगा। ये सारे लाइक टर्म्स हैं तो इनके कोफिशियंट्स हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन, सो 15 - 2 विल गिव यू 13, 13 + 5 विल गिव यू 18y। अब यहां देखिए -60 प्लस 18, यदि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो आप रफ कॉलम में नंबर्स को यहाँ लिख लीजिए। दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह से सॉल्व करिए, या पहले और दोनों नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लीजिए और उसके बाद पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये ज़्यादा इजी है। तो मैंने दोनों को ऐड कर लिया तो 90 मिला, 19 में से आपको 18 सब्ट्रैक्ट करना है, सो 10 - 8 विल गिव यू 2, 8 - 1 विल गिव यू 72, तो आपको आंसर मिला 72, बट नेगेटिव नंबर आपका ग्रेटर है तो -72 इज इक्वल टू 0। -72 को जब हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा +72, 18 इज इन मल्टीप्लीकेशन, सो राइट हैंड साइड में 18 आ जाएगा डिवीजन में, और 18 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 18 4 = 72,
सो वैल्यू ऑफ वाई इज 4। आपको 18 का टेबल नहीं आता है तो आप किसी छोटे नंबर से कट करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है एटलीस्ट टिल 20 टेबल्स आपको याद होना चाहिए, ये आपका टाइम सेव करते हैं। लेट अस सॉल्व, जस्ट अ मिनट, इस रफ वर्क को मैं एक बॉक्स में लिख दूं सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो नाउ अगेन द फिफ्थ सम, 2y माइनस y विल बिकम प्लस y, 26 अपॉन 3 तो ये बन जाएगा माइनस 5 अपॉन 3, सो 2y प्लस y विल गिव यू 3y। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स को अकॉर्डिंग टू साइन ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, सो 26 माइनस 5 विल गिव यू 21। ये नंबर आप यहाँ भी कट कर सकते हैं, 3 1 3, 3 7 21, सो नाउ y = 3y = 7, सो y = 7/3। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 3 2 6 = 1/7। फ्रैक्शन रैशनल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, सो वैल्यू ऑफ y इज 2:1/7। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी हमारे पास फॉर्म होता है कोई भी एक रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर तो हम वहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते समय आपके यहाँ डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है, इट मींस 1 होगा, तो पहले हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8x - 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव यू द सेम नंबर, और यहाँ पे 2 × 3x, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 8x - 3 = 3 × 6x। 6x को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बन जाएगा -6x और -3 विल बिकम +3, सो 8x - 6x विल बी 2x = 3, सो x = 3/2, x = या तो आप डेसिमल में लिखिए या आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, चॉइस आपकी है। टेक वन मोर एग्जाम्पल, रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, a/b = c/d। जब ये फॉर्म होता है हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस तरह से लिखते हैं, ये गलत है क्योंकि इसका मतलब है 5 का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ 3 से। यदि आपकी बाइनोमियल टर्म है, ट्राइनोमियल टर्म है, तो आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। सो -2 यहाँ पर भी आपकी बाइनोमियल टर्म है तो आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 5 × 3 = 15y + 5 × 4 = 20 = मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, -4 ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 × 2 = 12 माइनस है तो ये टर्म बन जाएगी प्लस, माइनस साइन यदि ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब हम फिर से सारे वेरिएबल्स को एक तरफ कलेक्ट करेंगे, सो +12 विल बिकम -12 और +20 विल बिकम -20 ऑन द राइट हैंड साइड, सो 15 - 12 विल गिव यू 3y। -4 - 20 साइंस आर सेम, एड द नंबर, ग्रेटर नंबर साइन विल कम इन द आंसर। अब y आपका मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड में ये डिवीजन में आ जाएगा, कट द नंबर, 3 1 3 3 8 24, सो y = 8। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इज 1, 1 इज एन ऑड नंबर सो योर आंसर विल बी नेगेटिव। इस तरह आप देख रहे हैं कि जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हम सारे इक्वेशन के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, रैशनल नंबर फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और इंटीजर्स के भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन, फिर से ये आपका फॉर्म है, a/b = c/d/c, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो z = 9, z इज मोनोमियल तो लिखते समय हम पहले नंबर लिखते हैं और फिर वेरिएबल लिखते हैं, बट ये टर्म आपकी बाइनोमियल है तो आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखना जरूरी है।
जब आपने ब्रैकेट में लिखा तब आपको अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है. सो 9z इज इक्वल टू 4z प्लस 60. अब हम फिर से लाइक टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे दिस 4z, तो बन जाएगा माइनस 4z इज इक्वल टू 60. सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 5z इज इक्वल टू 60. 5 इज इन मल्टीप्लीकेशन, तो राइट हैंड साइड में 5 आ जाएगा. डिवीजन में कट द नंबर्स, 5 1 5 5 1 5 5 4 20 5 2 10, सो z इज इक्वल टू 12. जिस तरह मैं बोलती जा रही हूँ आपको मन में बोलते जाना है और सम सॉल्व करते जाना है. यदि आप मन में नहीं बोलेंगे कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करेंगे. अगेन फिर से फॉर्म आपका है c upon d is equal to a upon b is equal to c upon d. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बट यहाँ बाइनोमियल है इसलिए हमें इस टर्म को ब्रैकेट में लिखना जरूरी है. माइनस 4 ये भी बाइनोमियल है तो हम इसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे. अब हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. सो 3 7 21 y प्लस 3 4 12, 4 into y will give you 4 y, प्लस माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा आपका माइनस 4 2 8. अब हम फिर से सारी लाइक टर्म्स को हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करेंगे तो बन जाएगा प्लस 4 y. सारे कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड में कलेक्ट करेंगे तो प्लस 12 विल बिकम माइनस 12. सो 21 प्लस 4 विल गिव यू 25 y, और साइंस आर सेम, एड द नंबर, ग्रेटर नंबर साइन विल कम इन द आंसर. y आपके साथ 25 मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड में डिवीजन में आ जाएगा. वी कैन कट द नंबर बाय 5 5 4 20 5 5 25. So y is equal to 4 upon 5. Total number of negative sign is 1. 1 is an odd number. So the answer will be negative. Now this is your time. Read the questions. Before solving, just think. Ek bar dhyan se dekhiye, sochiye, uske baad solve kariye. Thank you for watching today's video. Don't forget to like, subscribe and share the video, and also to watch my next video.